जीके एडी वर्ल्ड पर और आज मैं लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण वीडियो। इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में जो बम्पर वैकेंसी निकली है उसकी भर्ती की आवेदन प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में एक बम्पर वैकेंसी निकली है विभिन्न पदों के लिए। इसके लिए आवेदन सरकार के द्वारा मांगे गए हैं, तो जो भी अभ्यर्थी है इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे आपको भर्ती की आवेदन प्रक्रिया की और भर्ती की संपूर्ण जानकारी के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो साथियों शुरू करते हैं। साथियों सबसे पहले इसके बारे में जानकारी देखें, सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे जो भी बेरोजगार है उनके लिए एक अच्छी खबर आई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देश भर में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में 38,480 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके तहत टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर भर्तियां की जाएगी। जो उम्मीदवार एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट emrs.tribal.government.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों ये मॉडल स्कूल के लिए भर्ती इसमें निकली है, तो जो भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। तो साथियों इसमें सैलरी और वेतन क्या होगा, देश भर में जितने भी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है उसमें निकली वैकेंसी में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उम्मीदवार को हर महीने 30,000 रुपये से लेकर 2,92,000 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी। तो ये सैलरी और पर्क्स है जिसमें 30,000 रुपये मिनिमम वेतन रहेगा और 2,09,200 रुपये तक की सैलरी कैंडिडेट को मिलेगी। इसके अलावा जब साथियों हम बात करें आयु सीमा की, अगर हम बात करते हैं तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में निकली भर्ती के अंदर 38,000 से ज़्यादा पदों पर यह भर्ती निकली है। इसमें 18 से 50 साल तक की उम्र के जो भी उम्मीदवार हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 50 साल तक की है, 18 से 50 साल की उम्र के कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कैंडिडेट्स के पास इस भर्ती के अंदर अप्लाई करने के लिए। तो दूसरी अगर हम बात करें इसकी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, अगर हम बात करें तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में जो निम्न पद है उनके लिए ये भर्ती की जाएगी। पहला है प्रिंसिपल के पद पर 740 पद हैं, वाइस प्रिंसिपल के 740 पद, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है उसके 8,140 पद है। तो टीचर्स के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो कंप्यूटर साइंस के टीचर्स हैं उनके लिए 740 पद, प्रशिक्षित ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के लिए 8,880 पदों पर, यानी पीजीटी के लिए 8,140 और टीजीटी के लिए 8,880 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। आर्ट टीचर के 740 पद है, म्यूजिक टीचर के 740 पद है और फिजिकल एजुकेशन टीचर 1,480 पद फिजिकल टीचर के लिए, और लाइब्रेरियन के 740 पद है और स्टाफ नर्स के 740 पद है। हॉस्टल वार्डर के जो पद है 1,480 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा जो नॉन टीचिंग के जो पद है, हॉस्टल वार्डन है, स्टाफ नर्स है, अकाउंटेंट के 740 पद पर, कैटरिंग असिस्टेंट के 740 पद पर, चौकीदार के 1,480 पदों पर, कुक के 740 पद पर, काउंसलर के 740 पद, चालक के 740 पद, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर के 740 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा गार्डनर के 740 पद, कनिष्ठ सचिवालय सहायक के 1,480 पदों पर इसकी वैकेंसी की जाएगी और लैब अटेंडेंट जो है उसके 740 पद पर, और मैस हेल्पर के 1,480 पदों पर, वरिष्ठ सचिवालय सहायक के 740 पदों पर और स्वीपर के 2,220 पदों पर, ये नॉन टीचिंग की स्टाफ है उसके ऊपर आपकी ये वैकेंसी की जाएगी। तो जो भी योग्य कैंडिडेट है वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसके सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी, किस प्रकार से अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा, इन पदों पर सिलेक्शन के तहत पहले 3 घंटों की एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा, इसके बाद इंटरव्यू होगा और एंड के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा जिसके सभी स्टेप पास करने वाले कैंडिडेट्स का सिलेक्शन ही फाइनल सिलेक्शन होगा। अर्थात सिलेक्शन के लिए जो प्रक्रिया होगी, सबसे पहले एक लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद में इंटरव्यू होगा और अंत में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। इनके सारे स्टेप्स जो पास कर लेंगे उन सारे अभ्यर्थियों को इस पद के ऊपर लगा दिया जाएगा। तो साथियों इसके अलावा जो एप्लीकेशन किस प्रकार से करें, आप अप्लाई कैसे करें, इसके लिए जो
एकलव्य मॉडल स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है emrs.tribal.government.in पर जाएं, इसमें अपने से संबंधित सभी जानकारी को दर्ज करें, फीस का भुगतान करें और सबमिट बटन पर क्लिक करके अपना आवेदन करें और आगे की ज़रूरत के लिए जो आवेदन फॉर्म है उसका एक प्रिंट लेकर आप अपने पास रख लें ताकि भविष्य में आपके वो काम आए। इस तो साथियों आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। साथियों एजुकेशन के पर्पज से हमारे दो चैनल शुरू किए गए हैं, एक डीके एडुवर्ल्ड है जिसमें शिक्षक शिक्षा और शिक्षार्थी से संबंधित तथा रोजगार से संबंधित व करियर से संबंधित वीडियोज आपको मिलेंगे, और अगर आप अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो एक हमारा नया चैनल है द इंग्लिश सेंटर्स। इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें ताकि विभिन्न प्रकार के अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें तथा बेल आइकन को जरूर क्लिक करते ताकि नोटिफिकेशन समय समय पर आपको सही समय पर आपको मिल जाए। तो धन्यवाद साथियों, आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बताइए, और कोई जानकारी हो या अपडेट से संबंधित आपको जानकारी लेनी है तो हमें बताइए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।